यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी बोट को इसी तरीके से उड़ाना है वाइस टाउन में, जी हाँ दोस्तों, अगर अपनी बोट को बनाना है एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर की तरह, उसे ऊंचाइयों पे लेके जाना है वाइस टाउन की बिल्डिंग से भी ऊपर, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना ये बोट लास्ट में कहाँ तक जाती है, क्या हम इस बोट से वाइस टाउन से भी बाहर चले जाएंगे उड़ते। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों एक शाम को मैं लेट हो गया था घर जाने के लिए और टिप्सन दादा मुझे अर्जेंटली बुला रहे थे, कार नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इस बोट को ही प्लेन की तरह उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस बोट को अभी आपने देखा मैं पानी से उठाकर सीधा टिप्सन दादा के पास ले जाने में हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। वीडियो लाइक नहीं करोगे तो आपकी बोट नहीं उड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये क्या, मेरी बोट तो बिल्कुल तिरछी हो गई। ओ नो दोस्तों, देखा बोट कहाँ चली गई और हम कितनी हाइट तक आ गए थे उड़ते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आता जितनी ऊंचाई पर बोट आ गई थी। तो दोस्तों ये सारा जादू हुआ है हमारी इस ग्रेविटी गन से। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रेविटी गन से हम किसी भी चीज़ को हवा में उड़ा सकते हैं, हर चीज़ को, हेलीकॉप्टर को तो उड़ाते हैं हर कोई, हम बोट को ही हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा सकते हैं इस मैजिक गन से। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटी गन से। देखिए दोस्तों किस तरीके से हम इस बोट को, यार ये क्या, ये बोट तो अकेले ही उड़ गई दोस्तों, हमें साथ लेके ही नहीं गई। चलिए कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में मुझसे भी ये इतनी हाइट पर नहीं उड़ रही थी, मैंने एक दो बार ट्राई किया पानी के अंदर, तो ये देखा आपने पानी में हमारा मिशन बार बार फेल हो रहा था, तो इसलिए हमने बोट को बीच पे ले गए और बोट को यहाँ से हमने उड़ाना स्टार्ट किया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे भी यार वही सीन हुआ, बोट अकेली ही उड़ गई। मतलब इसको रोप हीरो का वेट कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा था, तो बोट ने कहा कि भाई तू यहीं रह, मैं तो अकेले ही उड़ रही हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं दोस्तों, हम चल के जल्दी से दूसरी बोट ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम किसी दूसरी बोट को लेने के लिए पहुँच चुके हैं, लेकिन यार ये ना होता ही है मेरे साथ। तो टेंशन वाली बात कोई नहीं है दोस्तों, हम दूसरी बोट लेके आ गए हैं फिर से उसी बीच पे, और अब इस बोट को तो हम मैक्सिमम हाइट तक ले जाने की ट्राई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले बोट में खड़ा होना होता है और उसके बाद में हमारी ग्रेविटी गन को स्टार्ट कर लेना है दोस्तों। एम रखना है बोट के आगे वाले हिस्से पर और इस तरीके से हम हवा में उड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये बोट तो उल्टी होने में और ये हो ही चुकी है दोस्तों, देखो क्या शानदार तरीके से इसने गिराया हमारे रोप हीरो को। ओ नो, दोनों बिल्कुल पास में ही जाके गिरे हैं दोस्तों एक दूसरे के। तो चलो जल्दी से, कोई नहीं, हमारी बोट अभी हमारे पास है, वापस से हमें कैसीनो नहीं जाना है बोट के लिए, तो चलो फिर से इस बोट पे सवारी करते हैं दोस्तों और इसे फिर से हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाने की ट्राई करते हैं। लेकिन ये तो फिर से बैलेंस बिगड़ा दोस्तों और फिर से गिरी, क्योंकि हमारा एम बिल्कुल एक जगह फिक्स नहीं रह रहा है दोस्तों। ये जो हमारा गन का एम है, इसको एकदम सामने रखना है, जहाँ हमारी बोट का नौका है सामने की तरफ जो सेंटर है ना, वहीं पे रखना है और यहाँ उड़ान। देखो दोस्तों, इस बार मैंने सही से उड़ाया, बिल्कुल बीचों बीच है मेरा एम गन का और गन को मैंने ऑन रखा है, ट्रिगर दबा रखा है गन का। तो देखिए क्या मैक्सिमम हाइट पे आ गई यार, इतनी हाइट पे तो दोस्तों कभी हेलीकॉप्टर भी नहीं आता। देखा आपने क्या मैक्सिमम हाइट पकड़ी हुई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर इस गन को बंद कर देता हूँ और दोस्तों मैंने गन को बंद करना है, यहाँ पर बंद कर दिया है दोस्तों मैंने गन को। जैसे ही बंद किया तो बोट गायब ही हो गई, बोट कहीं दिखाई नहीं दे रही और मैं काफ़ी स्पीड से नीचे जाके गिर रहा हूँ। ओ नो भाई, टूटेंगे मेरे हाथ घोड़े, लेकिन बच गए यार। तो दोस्तों देखा, जैसे ही हमने बीच हवा में जाके गन को बंद किया, तो एक तरीके से ऐसे हो गया जैसे किसी प्लेन का इंजन बंद कर दिया हो, और वो प्लेन तो मतलब गायब नहीं होता, वो प्लेन नीचे आके गिरता है, लेकिन हमारा ये बोट जो था ये गायब हो गया था। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, एक बार फिर से ट्राई तो बनता है ना। आपको क्या करना है दोस्तों, इसी तरीके से बीच पर इस बोट को लेके आना है, लेकिन इस तरीके से पैड में नहीं ठोकना है, ठीक से पहले ही रोक लेना है और उसके बाद में ऐसे खड़े होना है। जितनी बोट में पीछे की साइड आ रहा हूँ वो यहाँ पे आके हमें बीच में एम करना है। लेकिन देखा हमारी बोट उड़ गई है दोस्तों और ये मैक्सिमम हाइट पे जाने ही वाली है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फिर से हमारा एम साइड में हो गया है, थोड़ा सेंटर पे नहीं रहा। जब मैंने वापस से सेंटर पे किया तो बोट छूट गई दोस्तों हाथ से, लेकिन काफ़ी दूर नहीं गई है बोट। हम फिर जल्दी से चल के उस बोट को पकड़ लेते हैं, हमें दिखाई दे रही है यहाँ से बोट गायब नहीं हुई है। नहीं, अक्सर बोट छुमंतर हो जाती है दोस्तों, लेकिन हमारी बोट अभी भी हमारे पास है और हम इसे रोप से जल्दी से अपने पास खींच लेते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से ट्राई तो बनता है इसे उड़ाने का, फिर से उड़ाते हैं, क्या कहते हैं आप लोग।
बस अब ज़्यादा नहीं इसको रोप से उल्टी पुल्टी करना, वरना ये फूट जाएगी यहीं पे। तो दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करना अपने गेम के अंदर। बोट को उड़ाना है हमें ग्रेविटी गन से। जी हाँ दोस्तों, इसे ग्रेविटी गन से इतनी हाइट पे लेके जाना है जितनी हाइट पे हम हेलीकॉप्टर भी नहीं लेके जाते दोस्तों। बिलीव करो, हम इसे हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा मैक्सिमम हाइट पे लेके जा सकते हैं। और फिर से हमने दोस्तों उड़ा दिए, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया, हमारा पैड से टकरा गया बोट। दोस्तों हेलीकॉप्टर की तरह इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर हैंडल होता है, बहुत कुछ होता है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसे हम सिर्फ एक ग्रेविटी गन से कंट्रोल कर रहे हैं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, बैक का तो ऑप्शन नहीं है क्या। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी यही सीन करना है। ओह, लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, बोट तो अकेली ही चली गई हर बार की तरह, रो फिर यहीं रह गया। अब क्या होगा, चलिए कोई नहीं दोस्तों, फिर एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, ये हमारा लास्ट टाइम होगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कैसीनो। दोस्तों हम दूसरी बोट लेके आ गए, वीडियो को ट्रिम कर दिया था, तो दोस्तों अब ये लास्ट टाइम है हमारा। वैसे भी दोस्तों वाइस टाउन में अब जल्दी ही शाम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शाम होने वाली क्या है, हो ही चुकी है लगभग। तो शाम के अंधेरे में हम बोट को उड़ा रहे हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो दोस्तों आपको करना ही है। अगर लाइक नहीं करोगे ना तो आपकी बोट नहीं उड़ेगी, मैं पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक करके ही जाना इस वीडियो पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ गाइस, बाय।